थर्ड uh, ईयर में ये सेक्शन जो है सबसे ज़्यादा मार्क्स का होता है टोटल इसकी सेक्शन ए के सिक्सटी मार्क्स होते हैं क्वेश्चन वन इज़ एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्सट एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स अब आई टोल्ड यू कि आपने पोएम्स और पोएम्स पे ख़ास फोकस करना है बल्कि प्लेस पे भी करें लेकिन पोएम पढ़ते ही लाइंस आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सी पोएम की है इवन लूजिंग यू द जोकिंग वॉइस एजस्टर दिस इज़ फ्रॉम वन आर्ट यू शुड रिमेंबर द नेम ऑफ़ द पोएट एज वेल जब आप टाइटल याद करते हैं तो आपको चाहिए आप उसमें उसकी पोएटर्स का नाम या पोइट का नाम भी अच्छी तरह लिख के याद करें सो दैट इनकी इनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हों आपकी सो वन आर्ट इज़ बाय लिजब बिशप देर इज़ नाट एनी फेस ऑफ और दैट आई वुड नॉट टर्न फ्राम नाउ टू गोइंग टू द अन नोन दिस इज़ फ्राम लाइट्स आउट बाई एडवर्ड टॉमस येम है येस एडवर्ड टॉमस इज़ द पोएट सो दिस इज़ हाउ यू शुड डू योर प्रप्रेशन कि आपने ये लाइन्स आप ज़ाहिर है जब पहचान सकते हैं जब आपने टेक्स्ट बहुत अच्छी तरह रीड किया है पोएम के टैक्सट को अच्छी तरह रीड करें और पोएट का नाम साथ, साथ उसके याद करें एवन एवरीबडी हेज़ लॉन्ग हेयर द रेबल कट्स इज़ हेयर शॉर्ट यू शुड नो द पोए नेम ऑफ द पोएम द रेबल बाई डी जे एंड राइट ये डन एट रिसेंटली You are a boar, a course, beer, a boar a monster. So you common sense, use beer. covered So there is a play that by the name of the beer, and that is by um, you can say the uh, writer, The playwright is playwright is Anton Chekhov. And then, my dear uncle, this is a holiday. Being in London is a holiday. This is from the second play. The boy comes home, and you should know the uh, name of the uh, writer as well. Boy comes home is by ए मिलान ये सारा ट्वेंटी मार्क्स का था फर्स्ट सेक्शन यानी सिक्स एंड हाफ़ सिक्स एंड अ हाफ़ एंड सेवन मार्क्स का बन के ये ट्वेंटी मार्क्स का बनता है रेफरेंस लिखना होता है इसमें आपने कॉन्टेक्सट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लाइन्स सो देर इज़ चॉइस इन इट फाइव में से यू हैव टू डू थ्री थ्री आउट ऑफ फाइव एंड दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉन्ग शॉर्ट स्टोरीज एंड प्लेज वेल एरेबी से है उसाद मांगू थर्ड चैप्टर से है थर्ड स्टोरी है आपकी कैरेक्टर स्केच ऑफ प्रिमरोजेस फोर्थ प्लेस स्मोक स्क्रीन स्मोक स्क्रीज इज इम्पॉर्टेंट अक्सर आ जाता है इसमें से इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ये तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ये आई हुई है <laughs> इसमें, इसमें शॉर्ट स्टोरीज के सेक्शन में एंड दैन आई ऑलवेज टेल यू नेवर टू कोट नीव स्थीव एनी पोएम अब ये देख लें तीनों क्वेश्चन पोएम्स में से हैं इस सेक्शन में गिव अ सैमरी ऑफ द पोएम पेट्रियट इंटू ट्विटर थ्रू द पोएम हॉक्स मोनोलॉग टैड ही ब्रिंग्स आउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिक्टेटर, हु इज़ पावर ड्रंक एंड क्रिटिकली एग्जामिन द पोम कुबला खान बाय एस टी कॉलरेज सो यू सी मैक्सिमम तो पोएम्स में से आ गया सेक्शन टू अपने क्वेश्चन लाजमी करने हैं एक की चॉइस है और पोएम्स यहाँ भी आ गई हैं and then this is uh, pressy you have to prepare it well according to um, go through the video and this is um, translation translation may be aapne tenses ka tenses rakhna hai ki ye past me hai present me karni hai do it carefully and there is a choice dialogue between a teacher and a student who is a habitual late comer. so uh, this is of 15 marks डायलॉग एंड ट्रांसलेशन में जो चॉइस है दिस इज़ फ़िफ्टीन मार्क्स एंड दिस इज़ ट्वेंटी फ़ाइव मार्क्स सो मैक्सिमम मार्क्स आपके ये सेक्शन ए के हैं सिक्सटी एंड दिस वन इज़ फोर्टी मार्क्स सो ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स अपकमिंग पेपर्स